नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बड़ा जानकारी देंगे झारखंड के ई कल्याण स्कॉलरशिप एकेडमिक ईयर 2023-24 से रिलेटेड। बहुत लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि मेरा अभी तक अप्रूव्ड बाई कॉलेज ही स्टेटस में शो कर रहा है, कब तक मेरा आगे का वेरिफिकेशन किया जाएगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि स्कॉलरशिप का हम हर अपडेट समय समय पर देते रहते हैं, इसलिए कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए बात करते हैं कि आपको कब तक आगे का वेरिफिकेशन किया जाएगा। अप्रूव्ड बाई कॉलेज जिनका भी स्टेटस में शो कर रहा है, उन सभी लोगों को अब नेक्स्ट जो वेरिफिकेशन किया जाना है वो DNO ऑफिसर साहब का आवेदन वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, सब कुछ सही रहा तो आपको अप्रूव्ड बाई DNO ऑफिसर आपको शो करेगा, नहीं तो पेंडिंग है DNO ऑफिसर आपका शो करने लगेगा। किसी कारण से पेंडिंग होता है तो उसको आपको सुधार करना होगा। बात करते हैं कब तक आपको वेरिफिकेशन किया जाना है, तो इसी महीने लास्ट जुलाई तक आपको DNO ऑफिसर से सभी स्टूडेंट को वेरिफिकेशन कर दिया जाना है। ठीक है, और जिनका आगे DLC में होगा उन सभी लोगों को फाइनल अप्रूव भी हो चुका है और होना भी शुरू हो चुका है। ठीक है, तो आपको बस ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है, अब बहुत जल्द आपको हो सकता है कि आज भी आपका DNO ऑफिसर साहब का वेरिफिकेशन कर दिया जाए, नहीं तो संडे को तो बंद रहेगा, फिर सोमवार मंगलवार तक आपको इंतज़ार करना होगा। ठीक है, यानी कि बहुत जल्द आपको 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आपका आवेदन DNO ऑफिसर से वेरिफिकेशन करके सब कुछ सही रहता अप्रूव होगा, नहीं तो पेंडिंग हो जाएगा। फिलहाल आप वेट कीजिए, 1 हफ्ते 10 दिन तक आपका जिनका भी अप्रूव्ड बाई कॉलेज शो कर रहा है सभी ज़िलों में वेरिफिकेशन DNO ऑफिसर से शुरू है। फिलहाल आपको वेट करना होगा, 2-4-5 दिन वेट कीजिए, आपको आपका आवेदन DNO ऑफिसर से वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा।